हरिओम सब भगवान जी के बच्चों को खूब प्यार भरा हरिओम। बेस्ट पावरफुल इंस्पायरिंग टचिंग कोट्स होते हैं जो आपके लिए दे देते हैं ताकि आप आत्मा में बोरिंग फील नहीं करो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो जहाँ सोना बना लो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बदलता है। बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत कर रखनी चाहिए क्योंकि ये शाबाशी और धोखा दोनों पीठ के पीछे मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज़ ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो सब आप कोई पराया नहीं। कई बार मन करता हार मान लूं लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। ये वो दौर है जहाँ मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकें वो यकीनन ख़त्म हो जाती हैं। मेरी मंजिल मेरे करीब है इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते और सीखा क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। ब्यूटिफुल पॉइंट। नसीहत सबको बुरी लगती है और वसीयत सबको अच्छी लगती है। उड़ा देती है नींदे कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। उम्मीदें हमें कभी भी छोड़ कर नहीं जाती, बस हम ही उन्हें छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझना। लोग बदलते नहीं बेनकाब होते हैं। कदर करने वालों को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है ये झूठ है। जिंदगी तो हमें रोजाना मिलती है, मौत ही हमें एक बार मिलती है। जिंदगी तो रोज़ ही मिलती है। इंसान की परेशानियों की सिर्फ दो ही वजह है, वो तकदीर से ज़्यादा मांगता चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। यही जिंदगी है। ऐ जिंदगी मुझे अब मेरी हैसियत का पता है, तू बेवजह मुझे सताया ना कर। मैं भी इंसान हूँ पत्थर नहीं, वो जान मांग ले वो भी दे देंगे लेकिन हे जिंदगी मुझे बार बार सताया मत कर। रोज़ तारीख बदलती है, रोज़ दिन बदलते हैं, रोज़ समय भी बदलता है, रोज़ अपने मूड भी बदलते हैं, हमारे नज़रिए भी वक्त के साथ बदलते हैं। एक ही चीज़ है जो नहीं बदलती, वो है बोलिए हम खुद। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो दिन में फ़कीर भी जिंदा रख। वक्त का सितम तो देखिए जनाब, औलाद कह रही है मुफ्त की रोटी तोड़ता है बूढ़ा बाप। हो, ये कलयुग के बेटे होते हैं ऐसे। इंसान खुद खुद गर्ज है, पसंद कर
करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। जो आदमी जितना खामोश रहता है वो उतना ही अपनी इज्जत को महफूज रखता है। ब्यूटीफुल लोग आईना कभी नहीं देखते, अगर चित्र की जगह उनका चरित्र देखा दिखाई देता। छोटी सी जिंदगी है, हर बात पर खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, बस आज के उसमें खुश रहो। रिश्ता दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना, जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। हो अफसोस लगता नहीं है, लगाते नहीं हो जिंदगी में। चलो हंसने की कोई वजह ढूंढते हैं, जहाँ ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए आसमानों में यारो, बहुत उड़ लिए आसमानों में यारो, चहो जमीन पर ही कोई सत्ता ढूंढते हैं। झूठा संग कितना जिंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों में हम जगह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात में भी हम सुबह ढूंढते हैं। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे। बारात हो या जनाजा साथ जरूर देते हैं। हाउ ब्यूटीफुल। ये जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ये जरूरी है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत को नहीं जान पाया, जो रिश्तों की अहमियत को ना जान पाया, वो शब्दों को क्या समझेंगे। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से मिलते हैं। क्या खूब लिखा है किसी ने, क्या खूब लिखा है किसी ने, संगत का जरा ध्यान रखना। संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप होंगे। कुदरत का एक असूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास आएगा, फिर चाहे दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या दौलत। आपकी कीमत कब होती है, जब आपकी जरूरत होती है। कर्म बिना पूछे बिना बताए ही दस्तक देता है। वो चेहरा और पता दोनों ही याद रखता है, सुनिए ध्यान से। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत दे रखा है। मांगने वालों में नहीं, इस दुनिया में अजनबी रहना ही बहुत है। लोग बहुत तकलीफ देते हैं, अपना बनाकर। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। अपनी ज़िंदगी से कभी भी नाराज़ मत होना, क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। ज़िंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए, अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं, बुरे लोग तजुर्बा देते जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आराम और प्यार इंसान को अपाहिज बना देता है। हमको जिसने भी अपने लिए इस्तेमाल किया, कम से कम वो जानता तो है कि हम बहुत काम के हैं। लोग बनावट के दीवाने हैं और हम सादगी के लिए बैठे हैं। कभी घमंड ना करना अपनी मोहब्बत पे यारो, तुमसे बेहतर मिलने पर तुम ठुकरा दिए जाओगे।
देख किसी का दर्द जब आह निकल जाती है, बस यही बात इंसान को इंसान बनाती है। जो इंसान आपको हर बात बताता है, वो आपसे आप पे खुद से ज़्यादा भरोसा करता है, उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। उस इंसान के साथ कभी भी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए जो किसी और को धोखा देकर तुम्हारे पास आया हो। जीत की आदत अच्छी होती है, मगर कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। ज्ञान देने तक की बातें होती हैं मोहब्बत में, लेकिन यकीन मानना लोग जहां वक्त तक नहीं देते। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, लोग उसकी बदनामी शुरू कर देते हैं। सुन लेने से कितने सारे सवाल उलझ जाते हैं, और सुना देने से हम फिर से वही उलझ जाते हैं। तुम बदलो तो मजबूरियां, और हम बदलें तो धोखेबाज। आसान है रिश्ते बनाना, लेकिन मुश्किल है उन्हें निभाना, और ज़रूरी है उन्हें टूटने से बचाना। जुनून था किसी के अंदर जिंदा रहने का, नतीजा ये हुआ कि हम अपने ही अंदर मर गए। हर कोई अपना दर्द बताना पसंद नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं कि उनके जीवन में दर्द नहीं है। कुछ लोग दर्द छुपाकर जीते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें समझने वाला कोई नहीं है। हम परेशान क्यों होते हैं, उसके दो ही कारण हैं। एक तो हमें तकदीर से ज़्यादा चाहिए, दूसरा हमें वक्त से पहले चाहिए। अकेले रहने से कभी मत डरना, क्योंकि बाज हमेशा अकेले उड़ता है और कबूतर हमेशा झुंड में उड़ते हैं। जहाँ सबको सब जानते हैं, मगर कोई खुद को नहीं जानता। तुम चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे, तो समझ लेना कि अब तो तुम्हारा वो तुम्हारा नहीं रहा। जिसके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, वो किसी एक की फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकता। यादें भी तकलीफ़ देती हैं जब मोहब्बत सच्ची हो तो। मुझे फिर वही याद आते हैं, लोग आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। सस्ते कपड़ों से मेरी कीमत आंकना बेमानी है, मैंने महंगे कपड़ों में लिपटे सस्ते लोग देखे हैं। एक तू और एक वक्त, अफसोस दोनों ही बदल गए। जो खुद के दम पर चलते हैं, एक दिन वही दुनिया बदलते हैं। उससे कोई रिश्ता तो नहीं रहा, मगर फिर भी कोई रिश्ता है तो उसी से ही। महंगाई का दौर है जनाब, अब रिश्ते मुनाफा देखकर होते हैं। कभी कभी तो रोने के लिए भी सब्र करना पड़ता है। ज़बरदस्ती की नज़दीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी है। कटी हुई टहनियां कहाँ छांव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। है ना प्यारे प्यारे बच्चों, पहचान बनानी है तो भीड़ से हटकर कुछ करना होगा। हर किसी के नाम पर नहीं रुकती धड़कने, दिलों के भी कुछ असूल हुआ करते हैं। छा जाती है चुप्पी अगर गुनाह अपना हो, बात अगर दूसरे का हो तो बहुत शोर होता है। बात बात पे गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र होती है। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरस कर ख़त्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए और जो खामोश हो लेकिन हमेशा आसपास ही रहे। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, ये इतना बड़ा सच है, इससे लड़ना मत, इसे स्वीकार कर लेना। बस यही सोच कर ज़्यादा शिकवा नहीं किया मैंने कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। खोई हुई चीज़ को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमें इतने बड़े भगवान मिले हैं, हमें इन छोटी दुनिया की बातों को क्या लेना, इसलिए हम उसे बर्बाद मत करें। ऐसा हीरा मिला है हमें, धन्ना साई मिला है हमें। इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फ़र्क है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले, इंसान को होश ही नहीं आता। हमें बुरी तरह से आजमाया गया है, अब हम किसी को भी दूसरा मौका नहीं देंगे। अब मैंने कहना ही छोड़ दिया कि तुम मुझसे बात करो। जब मेरे रोने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो पर होने या ना होने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। जहर भी देने लायक नहीं थे कुछ लोग, और हम जिंदगी भर उन्हें अपना राज बताते रहे। जहर का भी अपना हिसाब होता है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कभी कभी गलती सामने वाले की नहीं होती, बस हम ही ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगा देते हैं। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छे होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है।
हम खुद से गिरे थे और खुद से ही उठेंगे। अब ना किसी का साथ चाहिए और ना किसी का हाथ चाहिए। किसी को आसानी से मत मिल जाना, क्योंकि लोग आपको सस्ता समझने लगेंगे। देने वाले की हैसियत है साहब, कोई प्यार देता है तो कोई धोखा देता है। पहली बार हम प्यार करते हैं, दूसरी बार हम प्यार को ढूंढते हैं। आजकल बेहतर वही बना है जिसने मुश्किल रास्तों को चुना है। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलीस करवाना अच्छी बात नहीं। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन होगा। यही तो गीता का ज्ञान है, यही तो हम समझते हैं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। प्यारे बच्चों, भगवान जी के ज्ञान से अच्छे से पॉइंट ले लो जो लेना है। हम तो रोज़ ही दे रहे हैं, रोज़ कितना कुछ बनाना पड़ता है आपके लिए। कोई बात नहीं, भगवान जी की शक्तियाँ मिलती हैं हमको। खूब सारा प्यार, गॉड ब्लेस।